केंद्र सरकार ने मंगलवार की रात से समूचे देश में 500 और 1000 रुपए के नोट का चलन बंद करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस बड़े निर्णय से जिले के आम नागरिकों को काफी हलाकान होना पड़ा है। बुधवार को बैंक और एटीएम सेवा बंद होने के कारण लोगों को चिल्लर के लिए विविध प्रकार के जुगाड़ करने पड़े। देश में भ्रष्टाचार और काला धन काफी बढ़ गया था, जिसका खामियाजा देश के गरीब और आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा था। भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है, जो आम नागरिकों के हित में। इस निर्णय से नागरिकों को केवल कुछ हद तक तकलीफ होगी जरूर, लेकिन देश भ्रष्टाचार मुक्त और काला धन वापस आने के बाद आने वाली पीढ़ी को काफी मदद होगी। 11 नवंबर की सुबह बैंकों के सामने लोगों की भीड़ जुटने लगी। शहर के विविध शाखाओं के सामने लोग लंबी कतारों में खड़े नजर आए। कुछ जगह लोग शिकायत भी करते दिखाई दिए, वहीं बैंकों ने उन्हें भरोसा भी दिलाया। केंद्र सरकार ने साहसी आर्थिक निर्णय लेने पर 11 नवंबर पहली बार बैंक शाखा खुले, पुराने नोटों की पहली झलक मिले और व्यवहार अच्छे से होने की अपेक्षा से ग्राहक और व्यापारी वर्ग शाखाओं के सामने लंबी कतारों में खड़ा नजर आया। शहर के अनेक शाखाओं में इसके लिए विशेष सुविधा की गई है। लोगों की पोस्ट ऑफिस के सामने भी इसके लिए भीड़ उमड़ी, लेकिन पोस्ट ऑफिस में नोट बदल कर देने और पुराने नोट लेने से भी इनकार करने का नजारा यहां देखने को मिला। 500 और 1000 के नोट बदलने की आज चंद्रपुर के पोस्ट ऑफिस में सुबह से ही लोगों की बेहिसाब भीड़ उमड़ी थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने लोगों के 500 से 1000 के नोट बदल कर देने से इनकार कर दिया। ग्राहकों के साथ ही पोस्ट की विविध योजनाओं में लोगों का पैसा जमा करने वाले एजेंट को भी 500 और 1000 के एवज में दूसरे नोट लेकर आने बताया गया। पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक लोअर डेनोमिनेशन नोट हमारे पास ही नहीं तो हम लोगों को कैसे दे, बैंक से पुराने नोट एक्सचेंज करने पर ही इस पर कोई हल निकल सकता है, ऐसा बताया गया। 8 वाजता पाहिलं की दार बंद होता, पण 10 वाजता दरवाजा उघडला। दरवाजा उघडल्यानंतर आम्ही काउंटरला गेलो, काउंटरला विचारला, काउंटरवर त्यांनी असं म्हटलं की आता एक्सचेंज करायचं काही टाइम नाही आहे, नोट बदली करून तुम्हाला आता मिळणार नाही, फक्त तुमचं अगर खातं आहे या पोस्ट ऑफिसमध्ये तर तुम्ही या खात्यात पैसे जमा करू शकता, अदरवाईज तुम्हाला पैसे बदली करून आता मिळणार नाही, असं त्यांनी म्हटलं आम्हाला। 1000 और 500 के नोट चलन से बंद कर नए नोट चलन में लाने के लिए केंद्र सरकार ने बैंक एक दिन बंद रख के पूर्व तैयारी की थी। 11 नवंबर नए चलन के साथ देश भर के साथ ही चंद्रपुर शहर के बैंक शाखा पूर्ववत शुरू हुए। रुके हुए आर्थिक व्यवहार योग्य होने और पुराने नोट बदल कर नए नोट लेने के लिए बैंक की विविध शाखाओं ने यह प्रक्रिया करने के लिए शाखाओं में विशेष कक्ष तैयार करने आश्वासन पूर्ण नहीं किए गए, तो अचानक हुए इस बदलाव से ग्राहकों को परेशान करने वाले सवाल और उनके जवाब देते समय बैंक अधिकारी और कर्मचारी भी दुविधा की स्थिति में थे। अपने पास के पुराने चलन की नगद राशि खाते में जमा करने 50 दिनों का बड़ा समयावधि है, जिससे घबरा कर किसी भी तरह की गलतफहमी ना होने दे, ऐसी सलाह बैंक अधिकारियों ने दी है। बैंक 1 घंटे पहले ही खुलने वाले थे, लेकिन शाखा अपने समय पर ही खुली। बैंक के सभी रोज के कामकाज सामान्य रूप से शुरू रहेंगे। अब शनिवार रविवार को भी बैंक खुले रहेंगे, जिसे परेशानी का कोई कारण नहीं। दौरान 11 नवंबर को पहले दिन बैंक खाते व्यवहार के लिए आए ग्राहकों ने निर्णय योग्य लेकिन अमल बजाने दुविधा आने से सम्मिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। परंतु काही कर्मचारी आहेत स्टेट बँकेचे, ते अजूनपर्यंत त्या अंमलबजावणी करत नाही आहे। आज सकाळी मी 7:30 इथे आलेलो आहे आणि बँकचा मॅनेजर म्हणतो की आमच्याकडे कॅश नाही आहे आणि डिपॉझिट त्यांनी अजून बँक खोलली पण नाही आहे। तो म्हणते की अजून आपल्या टायमिंगनुसारच ते खोलणार। हे सर्वसामान्य व्यक्तींना खूप त्रास होतो यांचा। तिकडे सांगण्यात आलं होतं किंवा पेपरमध्ये सांगलं होतं की आज 1 तास आधी बँकला येणार होती, परंतु अजून बँकवाल्यांनी अजून आपली बँक सुरू केलेली नाही आहे आणि ती नेहमीच्याच वेळेवर त्यांची बँक सुरू करणार असे करणार तर सगळ्यांनी सांगून आले, त्याच्यामुळे सर्वसामान्य इतका त्रास होऊ लागला, खूपच त्रास होऊन राहिला। जैसे की आज हमने सवेरे जो न्यूज देखा था उसमें बताया गया की 8 बजे से बैंक चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग 8 बजे से खड़े हैं, सब जेंट्स लेडीज सब आके खड़े हैं, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है बैंक। और बैंक भर में जो आए हैं, जो मैनेजर आए हमारे सामने, उन्होंने कहा है कि 10:30 बजे तक चालू होगा और कैश भी अभी तक आए नहीं है बोल रहे वो, और ना ही फॉर्म आए। तो ये गलती किसकी है? उनकी है ना, हमारी तो गलती नहीं है। हमको जैसे न्यूज में बताया गया था वैसे हम लोग आए लाइन में लग गए, और जैसे भी हम आए हैं उनको हमारा जो भी काम था वो फटा से फट होना चाहिए, क्योंकि जब जैसे अगर भीड़ बढ़ जाएगी तो झगड़ा भी होने की चांसेस है यहाँ।